भोपाल स्थित सुख शांति भवन ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में विशाल अनुभूति सभागार बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रविवार को किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षा होंगी राजयोगिनी बी के जयंती दीदी। सभी के मन को सुख और शांति देना इस ऑडिटोरियम बनाने का लक्ष्य है। इस मौके पर चार ब्रह्म कुमारी शपथ भी लेंगी। भोपाल के निर्बल स्थित सुख शांति भवन ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में सभागार बनाया गया है, जिसका नाम अनुभूति सभागार रखा गया है। सुख शांति की अनुभूति कराना इस सभागार का उद्देश्य है। सभागार का भव्य उद्घाटन रविवार को किया जाएगा। भारत के मध्य प्रांत का यह सबसे पहला विशाल रूफटॉप ऑडिटोरियम है। इसमें करीब 750 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से यह लैस है सभागार। सभागार के भव्य शुभारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज, अध्यक्ष के तौर पर राजयोगिनी बी के जयंती दीदी और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद रहेंगे। यह सभागार जनसेवा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर बी के डॉक्टर प्रियंका, बी के डॉक्टर देवयानी, बी के ममता और बी के सुनीता ब्रह्म कुमारी की शपथ लेंगी। बहुत अच्छा है, क्योंकि डबल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने जीआरशिप किए हमीदिया हॉस्पिटल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, दैट टाइम आई फील कि खुशी से बढ़ के खुराक नहीं, तो डबल हीलिंग हो जाती है पेशेंट्स की। क्योंकि वहाँ मैंने अनुभव किया था कि अगर आप पेशेंट से बहुत प्यार से बात करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेते हैं। तो और बहुत सारे डॉक्टर्स होते थे वो गुस्सा करते थे और हम बहुत शांति से बिहेव करते थे, तो सब पेशेंट खुश थे कि वो वाली डॉक्टर कहाँ है जो बहुत पीसफुली बोलती है। तो मेडिटेशन का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत अच्छा रहा, और आज भी जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज ए इंदिरा गांधी मेडिकल, अपना जो हॉस्पिटल है गैस राहत का, तो वहाँ पर भी जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ उनको संस्कार देने होते हैं। तो जो मैंने अनुभव किया है, जैसे मेडिकल लाइन में भी हम लोग जब होते थे तो हमारी दिनचर्या सेट नहीं होती थी, पर यहाँ पर सुबह 4 बजे से 10 बजे तक दिनचर्या सेट होती है। जो संस्कार हमें बच्चों को देने चाहिए वो यहाँ ऑलरेडी हम ले रहे हैं। और जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तब आप किसी को कह सकते हैं आप सुबह जल्दी उठिए। बहुत सारे डॉक्टर्स स्मोकिंग करते हैं, इसलिए वो किसी को डी एडिक्शन के लिए बोल नहीं सकते, पर हमारे तो खुश नसीबी है कि हम तो सुबह जल्दी भी उठते हैं, रात को जल्दी भी सोते हैं। तो हम जो संस्कार बच्चों में डालना चाहते हैं वो ईजिली हम उनको दे सकते हैं। एक्चुअली जब लोग पूछते हैं कि आपने जीवन क्यों चुना, तो मैंने तो ये जीवन नहीं चुना, जीवन ने मुझे चुन लिया। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी का जो हमारा दौर चल रहा है, तो बहुत सारी बातें आप ऐसी देखेंगे कार्मिकली कि कुछ लोग भ्रष्टाचार करके भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो गलत कार्य करके भी सफल हो रहे हैं, और कुछ लोग हम देखते हैं कि जो सही राह पे चलते हुए भी आज पीछे हैं। तो इसका कारण यहाँ पे आकर मुझे समझ में आया कि ये सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। तो अभी की जीवन तो हमारी फिर भी ठीक है, परंतु अब अभी हम ऐसी कमाई कौन सी कर रहे हैं जो हमको आगे लेकर के जाएगी। क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म हम अभी भोग रहे हैं वो अच्छा था, लेकिन आगे जब हम जन्म लेंगे, आगे के जो हमारे कर्म अभी के ऐसे अच्छे होने चाहिए कि आगे के जन्म हमारे बहुत अच्छे हों, तो वो तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम केवल सेल्फ सस्टेनेंस कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इट्स ओनली फॉर द सेल्फ। एंड द मोमेंट द सोल लीव्स द बॉडी, उसके बाद में आपका सब यहीं छूट रहा है। आपने जितना कमाया, जितनी मेहनत की, जितना सब कुछ किया, वो यहीं छूट गया एकदम से। एंड व्हेन देन वी आर एम्प्टी, अब आगे फिर हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? तो उसके लिए दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि हम इस फिज़िकल बॉडी के लिए तो लें, परंतु साथ साथ स्पिरिचुअली भी कुछ हम एक्यूमुलेट करते जाएँ जो हमको आगे काम आए, जिसको हम कहते हैं पुण्यकर्म आड़े आते हैं। तो पुण्यकर्म तो हम करते नहीं हैं, लेकिन फिर वो आड़े कैसे आएंगे, तो वो करना भी ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ आकर समझ में आया। मैंने ब्रह्मा कुमारी इसलिए ज्वाइन किया है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर तन का इलाज किया जाता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे मन का ट्रीटमेंट यानी मन का इलाज किया जाता है। कहते भी है तन को अगर स्वस्थ रखना है तो प्राणायाम करो, अगर मन को स्वस्थ रखना है तो मेडिटेशन करो। तो जो मेडिटेशन है उसमें हम कैसे परमात्मा सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर के अपने अंदर वो शक्तियाँ भरते हैं, और उन्हीं शक्तियों को कैसे हम पूरे विश्व में स्प्रेड कर सकते हैं, वो विधि यहाँ सिखाई जाती है। तो ये मुझे लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे करोड़ों की पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया है। और ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ है। लाइफ में यदि हम ट्रुथ रह करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस मिलती है, और हमारा जो आगे का भविष्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए हमने ये लाइफ को चूज किया। इस दौरान जर्मनी की रहने वाली ब्रह्म कुमारी गुटरिन ने बताया कि ब्रह्म कुमारी बनने के बाद उन्हें सुख और शांति का अनुभव मिला है। आंतरिक सुख के लिए मेडिटेशन जरूरी होता है और यह मेडिटेशन सुख शांति देता है। इस दौरान उन्होंने भोपाल शहर की सराहना की। वहीं लंदन से आई ब्रह्म कुमारी
जसवंती दीदी ने बताया कि उनको ब्रह्म कुमारी से जुड़े कई वर्ष हो गए हैं। वे कनाडा, लंदन, कई अरब कंट्री में रही हैं जहां ब्रह्म कुमारी की संस्थाने हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख शांति तभी मिलती है जब मन शांत रहता है। मन की शांति के लिए मेडिटेशन जरूरी है और भौतिकता से दूर रहना जरूरी है। सुख शांति भवन की संचालिका बीके नीता दीदी ने कहा कि इस सभागार के उद्घाटन में देश ही नहीं विदेश के लोग भी आ रहे हैं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित कार्यक्रम गीता वृतांत की पुनरावृत्ति हो रही है का आयोजन होगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष भी शाम के कार्यक्रम में, हमारी मालती राय जो महापौर हैं वो भी रहेंगी, विधायक कृष्णा गौर भी होंगी और भी मेहमान होंगे, कुछ मंत्रीगण भी होंगे, साथ में कुछ आर्मी पर्सन्स भी होंगे, तो काफ़ी गेस्ट हैं और विदेश के लोग हैं ही। जयंती दीदी हैं, एक अतिरिक्त महासचिव हैं हमारे भ्राता ब्रजमोहन भाई जी, वो भी पहुंच रहे हैं आज दोपहर को, और कार्यकारी सचिव हमारे मृत्युंजय भाई जी भी पहुंच रहे हैं। ये हमारे हेडक्वार्टर की मुख्य हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो भी मेहमान यहाँ पहुँचेंगे उनकी सेवाएं और उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त भी हम सभी को होगा। ओम शांति, ओम शांति। I think it's a huge movement to promote peace in the world through discovering that we are peaceful beings. Our original state of being is peaceful. And when we start to understand and experience that, I think then we have a greater chance to establish peace in the world. It has to come from within. 35 years. I was 24 when I came into contact. And I was interested because I was looking for something else in my life than what I saw around me. I was looking for meaning, for truth, for something deeper. So I was interested in spirituality, into meditation, and then I came across the Brahma Kumaris. Because meditation means becoming a peaceful soul. अभी कुछ हफ्ता हुए हैं यहाँ पर, अभी हम माउंट आबू से यहाँ आए हैं, और यहाँ पर खास हमें निमंत्रण मिला था ये इन ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने के लिए। तो ये ऑडिटोरियम जब मैंने देखा तो रिमाइंडेड मी ऑफ आवर हेडक्वार्टर्स इन लंदन, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ग्लोबल कॉपरेशन हाउस। तो वहाँ पर विशेषता ये है कि ऐसे न लगे कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, चर्च का है, क्रिश्चियन का है, लेकिन जो भी आए अपनापन महसूस करें, ऐसे लगे अपने घर आए हैं। तो यहाँ हम जब आए तो ऐसे ही लगा, हम पहली बार ही आए हैं लेकिन ऐसे नहीं लगा कि कोई अजीब जगह पर आए हैं, लेकिन अपने घर आए हैं। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि जो भी इस घर में आएंगे सुख शांति का अनुभव करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।